अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयंस। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज मेंट बाय मॉलिक्यूलर आयन। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज मेंट बाय मॉलिक्यूलर आयंस। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस हैं क्या। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि जो स्पीशीज हैं, आइंस हैं, उनके बारे में पढ़ा था, कैटाइंस और एनाइंस में। तो वहां पर आपने सिंगुलर एक एटम के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ हम लोग मॉलिक्यूल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। पहले वो मॉलिक्यूल था, ठीक है। अगर उसके ऊपर सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अगर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी से ले, तो अब ये क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर आयन। पहले उनके ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया या किसी से लिया तो उनके ऊपर चार्ज आ गया। तो जैसे ही चार्ज आएगा किसी भी मॉलिक्यूल पे, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। इसकी टाइप्स हैं, तो मॉलिक्यूलर आयन की जो है वो टाइप्स, टू टाइप्स हैं इसकी। एक है आपके पास कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, और दूसरी जो है एनोनिक जो है मॉलिक्यूलर आयन है। तो कैटोनिक देखते हैं, कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किस चीज की इंडिकेशन है, आपने सोडियम, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। किस तरह से आता है, कि उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इनके भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं, ठीक है, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूलर आयन है उन्हें कहा जाता है कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो यहां पर इन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो इनके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन किसी को देना, ठीक है, देने के बाद उनके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसे कहा जाएगा कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, मिथेन, हीलियम, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, डेफिनेशन बताओगे, ठीक है, डेफिनेशन के बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स बतानी है। नेक्स्ट है आपके पास, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था एनाइन, तो उसी से रिलेटेड है मॉलिक्यूलर आयन। आपके पास मैंने वहां पर एग्जाम्पल दी थी क्लोरीन की, ठीक है, इसके ऊपर -1, क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आया, -1। तो अगर कोई एटम ले, ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है किसी भी जो है वो मॉलिक्यूल से, एटम से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या कहेंगे, ये आपके पास इसका नेम है। तो नेगेटिव चार्ज आया, ये देखिए नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो देने से जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक्सेप्ट करने पे आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मैं एक मरतबा दोबारा बता रही हूँ, सोडियम और क्लोरीन की एग्जाम्पल शेल से वो देख लें। सोडियम और क्लोरीन की जो है एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, सोडियम 11 फर्स्ट में, 2 सेकेंड वन 8, थर्ड वन आपके पास एक बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्लोरीन जो थे वो 17 फर्स्ट 2 सेकेंड 8, थर्ड वन आपके पास कितने आ गए, 7।
अब इसके आउटर मोस्ट में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है. तो जैसे ही सोडियम के पास ही आएगा, सोडियम के पास एबिलिटी नहीं है कि वो क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन ले सके, तो सोडियम क्या करेगा कि उसको, क्योंकि उसके पास एबिलिटी ज़्यादा है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है. इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर +1 चार्ज आ जाता है सोडियम के ऊपर. और क्लोरीन ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ले लिया है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा क्लोरीन -1. तो इसलिए इसे लिखा जाता है -1. तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब ये इसी तरह, जैसे मैंने एक एटम का आपको बताया, मॉलिक्यूल भी सेम इसी तरह करते हैं कि मॉलिक्यूल भी अपना इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं, दे रहे हैं किसी को, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है. और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो इसलिए कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो भी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं. तो यहाँ इस टॉपिक में भी आपने पढ़ा कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन में उन्होंने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज. अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे, कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन. और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप उसे क्या कहोगे, एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन. तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछें और इसे अच्छी तरह से लर्न करें. जो बेटा आपकी बुक में ये डिफरेंस इस तरह से है, आपने एज इट इज इसको जो है लर्न करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूल में के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, इसी चैप्टर में. और मॉलिक्यूलर आयन भी आपने डिस्कस किया, आपको उसकी भी डिटेल में बता चुकी हूँ. तो ये उसी से रिलेटेड जो है, इसके 4 डिफरेंस हैं, वो आपने एज इट इज लर्न करने हैं. सबसे पहला पॉइंट है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड. ये मैंने आपको बताया क्लास में, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स भी बताई हैं, ठीक है. ये है आपके पास, ये अभी रिसेंट आपने टॉपिक पढ़ा, इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल. अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या वो गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. मॉलिक्यूल हमेशा जो है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. लेकिन जैसे ही किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए, ये मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसके ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. वो लेने और देने से, इलेक्ट्रॉन लेने और देने से ही आएगा. नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट है, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. किसी भी एटम के कंबाइन करने पे, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. ये एटम के कंबाइन करने पे बनेगा मॉलिक्यूल. लेकिन यहां पर क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. लेकिन इसमें ये आयनाइजेशन पे बनेगा, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे, ये आयनाइज होगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन बनेगा. इट इज अ स्टेबल यूनिट. मॉलिक्यूल जो है वो खुद क्या है, एक स्टेबल यूनिट है. एज इट इज इतना रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन इट इज रिएक्टिव स्पीशी. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने पे कोई भी, अगर आपके पास एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर चार्ज आने पे क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है. जैसा कि इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, इसकी 101% जो यही कोशिश होगी कि ये किसी भी नेगेटिव की तरफ जाए, उसके साथ रिएक्ट करे, ठीक है. तो इसलिए मॉलिक्यूल को कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. क्लोरीन अगर माइनस वाला आ गया तो उसकी कोशिश होगी वो किसी पॉजिटिव वाले साइड पे जाए ताकि वो उसके साथ रिएक्ट कर सके. तो इसलिए मॉलिक्यूलर आयन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है वो रिएक्टिव है. तो इसको अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की साइड पे जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव साइड पे भी पॉजिटिव साइड पे जाएगा.